हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी एक्टिव वॉच 2 के बारे में। ये वॉच दिखने में तो सेम दिखती है अपने फर्स्ट जनरेशन वॉच की तरह, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे सैमसंग के फर्स्ट जनरेशन वॉच में रोटेटिंग बेजल नहीं था, तो उसकी वजह से उसके बहुत सारे कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो गए थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने अपने सेकेंड जनरेशन वॉच में रोटेटिंग बेजल अवेलेबल किया है, विच इज एक्चुअली द डिजिटल बेजल। द सेकेंड बिगेस्ट फीचर ऑफ दिस वॉच दैट इट हैज ECG सेंसर, विच इज सिमिलर टू एप्पल वॉच। बट आप इस फीचर को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज सैमसंग इज वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन। तो जब उसको वो परमिशन मिल जाएगी तो एक सॉफ्टवेयर अपडेट की हेल्प से आप इस फीचर को फ्यूचर में यूज कर पाओगे। This watch has 2 variants, Bluetooth and LTE. इसका मतलब कि आप इस वॉच को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो विदाउट कनेक्टिंग टू योर फोन विद द हेल्प ऑफ LTE कनेक्टिविटी। तो जिन लोगों को अपना फोन हमेशा कैरी करना पसंद नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे आप लोग कॉल कनेक्ट कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो, इवन यू कैन वॉच योर यूट्यूब वीडियोज। अगर आप अपने किसी फीमेल फ्रेंड को वॉच गिफ्ट करना चाहते हो, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें ना आप अपने ड्रेस से अपने वॉच फेस को मैच कर सकते हो। इस वॉच की कॉस्ट, जो ब्लूटूथ वर्जन है उसका प्राइस है $280 से $300 तक, जो LTE वर्जन है उसका प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इट इज़ अ वेरी सॉलिड वॉच जो एक्चुअली एप्पल वॉच सीरीज को टक्कर दे सकती है। Stay tuned to my channel, everyone. Bye-bye.